आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ू वीणा की झंकार भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार भय, मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार भय, और विधाता ने सौंपी है अधूरों को ललकार भय, मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा समझिएगा भी। चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई थी सिटी लाइट्स, और फिल्म ऐसी थी कि जिसमें लोग हंसते रहें हंसते रहें हंसते रहें, लेकिन समापन के 2 मिनट ऐसे थे कि कोई फिल्म देखने वाला बिना रोए ना रह सके। क्या बात। फिल्म चली थी हॉल में, एक दिन चार्ली चैपलिन को किसी ने बताया कि उस समय के मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टीन फिल्म देखने आए। तो चार्ली चैपलिन जब फिल्म का शो छूटा, दरवाजे पर छुप के खड़ा हो गया, वो देखना चाहता था कि मेरी फिल्म का आइंस्टीन पर क्या असर पड़ा। और उस कहानी में ये लिखा मिलता है कि जब आइंस्टीन बाहर निकला तो अपने रुमाल से आंसू पहुंच रहा था, उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। तो चार्ली चैपलिन चिल्ला पड़ा कि मैंने आइंस्टीन को रुला दिया, अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कही, इस कवि सम्मेलन में श्रद्धेय सुरेश चौहान जी, अश्विनी उपाध्याय जी, बंगाल के शेर, हिंद प्रहरी के सम्मानजनक हीरो जो संस्कृति संस्कार के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो, और इतने लोग संघ से जुड़े सांसद भी विधायक भी अगर पूरा कवि सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हैं तो कविता के पास अभी कुछ बचा होगा। हमें दुनिया की चिंता है, दुनिया की चिंता है, कुछ तो बचा होगा। चौहान साहब का बैठा रहना मेरे लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि उन्होंने 20 साल पहले कोई कवि सम्मेलन पूरा सुना था। अगर हमने 20 साल में उनको पूरी रात बिठा दिया तो ये इस संस्था को श्रेय जाता है, मैं इस संस्था को सल्यूट करता हूँ। लेकिन एक संकट है, एक तो कवि गायब होते हैं, अमन बहुत अच्छा पढ़ता है, आपका बेटा है, आपका नाम लेके पूरी दुनिया में जाएगा जाता है। आज तो शशिकांत ने बहुत श्रेष्ठ संचालन किया, इसका जन्मदिन था इसलिए शायद आज रोज करता है, पर मैं आज ऐसे ही कह रहा हूं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारे अभेंद्र भीक ने, गौरव चौहान ने, प्रियांशु गजेंद्र ने, शंभु शिखर ने, ताली बजाकर आप थक गए, हंस हंस कर आप थक गए, भारत माता की जय के नारे लगा के आप थक गए। जानते हो बाद वाले की हालत क्या होती है कवि की? आपने कभी ठेले पर गन्ने का रस निकलते देखा है कोल्हू में? मेरी हालत पर तरस खाना थोड़ा। जो कोल्हू में गन्ने का रस निकलता है ठेले पर, उसमें गन्ने को एक बार डालते हैं, फिर उसी को पीछे से उठा के दोबारा से कोल्हू में डाल देते हैं, कई बार तो उसे 3 बार कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुकस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश करता हूं, अब नींबू भी महंगा हो गया। चलिए बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ सचमुच। जो घर में शादी नहीं करता उसको ऐसे ही काम सौंपते हैं। अब ये यादव वाली बोल रहा है ना, इसको इतनी समझ नहीं है, जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार भारत का प्रधानमंत्री और एक बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। वाह, भगवान करे आप। तुम्हारी हो गई, तुमने क्या कर लिया? मुझे छेड़े मत। ये संस्कार संस्कृति का मुल्क है, हमारी आस्थाएं, हमारी मान्यताएं, हमारी नीतियां, हमारे संस्कार। आधी मिनट की एक कहानी सुनाता हूं, केवल आधी मिनट, इसको फिक्स कर दीजिए आप। स्वागत भी। और संभव हो तो जो आगे के बड़े कूलर चल रहे हैं जिनकी आवाज है काफी, थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए, मैं 5-7 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ दूंगा। ये जो आगे के कूलर हैं जिनकी आवाज मुझ तक आ रही है,
बस इनको बंद कर लीजिए, पीछे वाले को बंद कर लीजिए, उसकी आवाज़ बहुत आ रही है। आधी मिनट की एक कहानी कहना चाहता हूँ बस। एक बाप बेटी एक रास्ते पर जा रहे थे, उनको रास्ते में तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों डर गए, तेज बाढ़ का पानी है कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों बाढ़ के पानी से पार निकल जाएंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है बेटी, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, फर्क क्या पड़ता है। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। उन संस्कारों के संवाहक हैं। मुझे पारस जी हैं, किधर है पारस जी, मुझे कहा है कि मैंने तो आपको चंद्रशेखर आजाद वाली कविता सुनाने के लिए बुलाया है, लेकिन पारस जी मैं नई कविता सुनाने आया हूं। आपकी इच्छा होगी तो एक कविता के बाद अगर आप बचे तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा, पढ़ दूंगा, मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं बैठ गया हूं तो मैं एक घंटा दो घंटा तीन घंटा पढ़ सकता हूं, इनमें से कोई नहीं पढ़ सकता क्योंकि सबकी शादी हो गई है। प्रियांशु का स्वास्थ्य देखो, और जने क्या क्या बोलता है। मैं एक नई कविता सुना रहा हूँ, कोई भूमिका नहीं दे रहा। स्वागत स्वागत भैया। और संध्या चौहान साहब, मुझे सौभाग्य है कि मैं एक बिल्कुल अपनी सबसे नई ताज़ा कविता सुनाने का आपको अवसर मुझे मिल रहा है। मैंने जीवन भर विद्रोह जिया है, मैं यथास्थिति से समझौता नहीं करता, कभी नहीं किया। मैं आज पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक आप समझ जाएंगे, मन से सुन लीजिए, सबने बहुत अच्छा, छोटे भाइयों ने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। ये मैं बहुत दिनों बाद, शायद कोरोना के बाद तो ये पहला कवि सम्मेलन है जो कवि सम्मेलन जैसा मुझे महसूस हो रहा है, पहला कवि सम्मेलन। दो साल से कविता सुनाने के लिए ही नहीं तरसे, लोगों की तालियां सुनने के लिए तरसे, और आज आपने जी भर के इच्छा पूरी की सबकी। सब छोटे भाइयों को बहुत मन से आपने सुना, स्वागत भैया। मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, बस कविता में बड़ा नहीं हूँ। मैं हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की और 40 साल मैंने कानून पढ़ाया। अश्विनी उपाध्याय जी जानते हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत ईमानदार लड़ाई है। भारत के संविधान में एक चैप्टर है नीति निदेशक तत्व का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसी भी राज्य की पॉलिसी, किसी भी देश की पॉलिसी किन सिद्धांतों पर बनना चाहिए, वो सब बातें उसमें लिखी हुई हैं जो आज तक संघ या हिंदू समाज उठाने की कोशिश कर रहा है। एक भी ऐसा नहीं है जो उसमें लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ नहीं। गौ हत्या तक रोकने की व्यवस्था हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, संविधान में लिखा हुआ है। अब पालन कोई नहीं करे तो वो संविधान मैंने उनके हाथ में देखा तो मुझे लगा सचमुच हमारी रामायण यही है, इसी का ठीक से पालन कर दो, रामराज तो आपको दिखाई देगा आता हुआ, यही पर आप पालन करेगा। कविता सुनाता हूँ मैं, एक कविता मेरे मन से सुन लीजिए और फिर आप बैठे रहे बचे रहे तो मैं पारस जी की भी इच्छा पूरी कर दूंगा। मुझे नहीं पता पेमेंट वो उस कविता पे देंगे या इस कविता पे देंगे। पारस जी इतना पैसा आपने खर्च किया और सबसे बाद में कितने लोग बचे होंगे, शुरू में जितने थे उसके तो आधे भी नहीं है, पूरे हैं, बीच में घर होया है लोग। अच्छा घर हुआ है, सुनिए मन से ये मैं वापिस आओ, ए भाई, ए भैया, ए कहाँ जा रहा भाई, टी शर्ट वापिस वापिस आओ वापिस, और वहीं बैठो जहाँ से उठे हो। ये पार्लियामेंट है क्या जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। दरवाजे बंद कर दो भैया, लॉक करो। अब कोई उठेगा नहीं, मन से सुनिए कविता। मैं एक गंभीर कविता सुना रहा हूँ, पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूँ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है इसका भैया, थोड़ा वॉल्यूम, और मैं अपना बढ़ाऊं तो इसका कम मत करना। कई माइक वाले क्या करते हैं, मैं जैसे अपना ऊपर ले जाता हूं तो ये उसका कम कर देते हैं कि ये चिल्ला रहा है जोर से,
बढ़ा के छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है आपका, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी ताली। सुनने को तैयार है नई कविता? तो एक बार सदन सारा जोर दो। ये सारे छोटे भाई आज इतने जमे हैं, आपने इतनी तालियां बजाई हैं, और जो भी जमता था तालियां बजती थी, पीछे मेरी ओर देखता था, मैं ये गौरव मेरी ओर मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि देखा भाई साहब आज तो हम भी। गौरव अभी बहुत सीखना बाकी है, वो मुझसे सीखो। मैं अभी थोड़ा औरों का प्रभाव कम कर रहा हूँ आपके दिल पर जो पड़ गया है, मैं इसे पहले कम करूँगा फिर उसे नष्ट करूँगा, क्योंकि मैंने कभी किसी की दीवार पर अपना पोस्टर नहीं लगाया, नहीं लगाया कभी भी। ये काम शादीशुदा लोग करते हैं। सही बात। सुनना, मन से सुनना। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। मेरा एक दोस्त बैठा है विजय केड़िया, मैं पिछले 40 साल से उसके घर का नमक खा रहा हूँ। कहीं भी मुझे आना हो जाना हो, मेरा रोटी आने की, नाश्ते की, रास्ते की, गाड़ी, कार, बंगला, सब उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहली बार 40 साल बाद है मैं पारस जी के डर के मारे घर नहीं रुका, मैं आके होटल में रुका, होटल में नहाया धोया। मैं विजय केड़िया से माफ़ी भी मांगता हूँ, 40 साल में पहली बार शायद मैंने घर ना रुक कर पारस जी के डर के मारे। अब संयोजक है, पता नहीं क्या कर दे, इसलिए मैंने कहना मान लिया। पारस जी सुनिए, मन से सुनिए। मैं इस कविता को लिख के चौहान साहब खुश हुआ था, खुश हुआ था, और मेरे छोटे भाइयों ने, गौरव ने भी नहीं सुना, गौरव नहीं करता है सुन। प्रियांश सुन तो सुन। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, धरती के तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर घाटी पर्वत झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं केवल कंगन पायल के गीत नहीं गाने वाला, मैं पायल कंगन, मैं पायल मेहंदी कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द ज्योति का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गा। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी ने गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां दिल पर जाके ठक ठक करें तो पूरा सदन तालियां उठाए। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, कंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, पंचशीर घाटी से काबुल धुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, मानव अधिकारों का अंधा कुआं दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। चार लाइन
फिर मन मांगती हैं आपका। तो तमंचों से घायल पर वेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, बार बार जो काबुल का ये पाप दिखाई देता है। मैंने एक कथा पढ़ी थी, झूठ सच मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो कथा सच है तो शायद सच है। बार बार जो काबुल में ये पाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है, शायद ये गंधारी माँ का शाप दिखाई देता है। मले समीरा मौसम मादम खोर मिला, नारी का तन मन पीड़ित घनघोर मिला, समावेश के संविधान को फाड़ दिया, बंदूकों पर खूनी झंडा गाड़ दिया, मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूं, अग्निवंश के बाकी कवि, ये बाकी कवियों से निवेदन है कि ताली बजाते रहे, क्योंकि मैंने उनकी उन कविताओं पर बहुत तालियां बजाई हैं जो मेरी समझ में नहीं आई, हालांकि सबने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन कई बार पीछे आवाज नहीं आ रही थी, उनको भी ठीक नहीं आ रही होगी, तो उनको बदले में ताली बजानी है बस, चाहे सुनाई दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो। दुनिया वालों आने विद्रोह करता हूं, सुनना दुनिया, हुजूर बैठ जाओ, कुर्सी मत उछालो, ये विधानसभाओं में अच्छी लगती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के। आप सब जागरूक लोग हैं, सब जागरण के लोग हैं, सब संस्कारों के लोग हैं, इतिहास भी जानते हैं। मैं एक इतिहास पढ़ रहा हूँ, इतिहास में मेरा साथ चलना, और आपको लगे कि सत्य इतिहास पढ़ रहा हूँ तो मेरा साथ देना, ताली बजाकर सुनना। आने वाला दुनिया वालों आने वाला वक्त तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा धिक्कारेगा, दुनिया के मुंह पर थूक गए तालिबानी, आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं तालिबानी, बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं तालिबानी, यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के जान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, इनको जग की लोकलाज की शर्म हया नहीं भाती, इनको नारी उत्पीड़न पर कोई शर्म नहीं आती, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, बहसला तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी, इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनके दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनका दामन सात समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, इनके पापों को अल्लाह भी माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मेरी 70 साल की उम्र है, मेरे घर में अपने प्रिय मरे, मृत्यु हुई उनकी, मैं 6 तब इतना नहीं रोया, मैं दुनिया के किसी भी दुखद से दुखद घटना पर इतना शायद कभी नहीं रोया जो मैं एक दृश्य देख के रोया। वो दृश्य बताता हूँ आपको, जिन्होंने उन दिनों टीवी देखा हो उस दृश्य को मेरे साथ जीने की कोशिश करना। काबुल के हर चौराहों पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं,
जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, बिल्ली जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं, चंद रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं, पुच्छल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा में दाओ चोग, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है, बंदूकों के बल पर कोई जब सत्ता पा जाता है, लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर राजभवन आ जाता है, उनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सर ताजों का, जैसे छीना और क्यों छिन जाएगा, वजह बता रहा हूं, फिर मांगता हूं आपका मन, पूरे सदन का मन, जैसे छीना छिन जाएगा राजभवन सरताजों का, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, इनकी सत्ता सिर्फ नशे से चलती है, इनकी धरती गांजा भांग उगलती है, ये पूरी दुनिया को नशा पिलाते हैं, खुद जलते हैं और संसार जलाते हैं, मैं दुनिया के ड्रगबाजों के पाप बताता फिरता हूं, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिर, और विद्रोह करता हूं, और बड़ा विद्रोह करता हूं, और बड़ों के खिलाफ करता हूं, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमरीका, इतिहास समझना बस, तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमरीका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमरीका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमरीका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमरीका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमरीका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमरीका, अपने पाले सांपों के ही मिले हैं अमेरिका, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए, जिस दिन काबुल से अमरीकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, मैं दुनिया को बतलाता हूँ समझौते की, मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमरीका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, और एक पंक्ति फिर ताली मांगती है, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमरीका, अमरीकी अपने ही खुद जालों में जकड़े जाते हैं, इनके अश्वमेघ के सारे घोड़े पकड़े जाते हैं, क्या अमरीका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया, सच तो ये है अमरीका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, गुंडों का गठजोड़ हो गई है दुनिया, हथियारों का होड़ हो गई है दुनिया, मैं दुनिया को भगवत गीता ज्ञान सिखाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता, हारा तो भारत भी है, भारत की असमंजसता की चार पंक्ति सुना, चौहान साहब आपको समर्पित करता हूँ, हारा तो भारत भी है हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, गया तो व्यापार है, हमने पार्लियामेंट बनाई उनकी बहुत काम किया, सब बेकार हो गया, लेकिन कविता में अच्छा नहीं लगता व्यापार लिखना, हारा तो भारत भी है, भारत का सदव्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव, अंतिम छंद सुनाता हूं कविता का, मैं अंतिम छंद नहीं लिखता,
लेकिन 15 अगस्त को जब तालिबान ने कब्जा कर लिया काबुल पर, तो उनके प्रेस प्रवक्ता का एक बयान आया, छपा सब जगह, टीवी पर चला, अखबारों में छपा कि आवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल हेल्प अवर ब्रदर्स एंड वी विल लिबरल द वी विल मेक फ्री जम्मू एंड कश्मीर। अब हम आगे जाएंगे, और अभी भी ये सच है कि हथियार पकड़े गए, जो अमेरिका ने हथियार काबुल में छोड़े उनमें से कुछ हथियार जम्मू कश्मीर में पाए गए, तो वो मदद कर रहे होंगे। तो मैं एक अंतिम इस कविता का अंतिम हिस्सा उनको सुनाता हूँ। स्वागत भी है। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, हमारा कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है, तुमने बयान दिया तो जवाब दे रहा हूं। और गौरव, ताली कैसे बजती है और कितनी बजती है आप देखना, ये मुड़ के देखते थे पीछे मेरी तरफ, नहीं मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसा दिखा दूंगा कि तुम कई दिन तक ही भूलोगे नहीं, अभी दिखाता हूं। अरे साहब, आप लोग कुर्सियों से नहीं उछले तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार, मैं कह रहा हूं इसलिए मत उछलना, मन करे तो उछलना, उछलना कुर्सियां छोड़ना। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। अभी नहीं आगे मैं सबसे कुर्सियां छुड़वा दूंगा, इसीलिए मैं हरिओम पमारो। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। घाटी में जो बारूदी घुसपैठी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70। अरे सर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी तो शुरू हुआ है, अभी हनुमान। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदि बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं, हमने अपने संविधान से 370 हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला को से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देना सीख लिया, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बाला कोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और साहब मैं 45 साल से कविता लिखता हूं, मेरा ईस्ट मेरा देश है, मेरे दिल में सिर्फ देश धड़का है, मैंने जब भी लिखा मैंने कभी ये सोचा ही नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, मैं साहित्य में नाम दर्ज कराने के लिए कवि बना ही नहीं,
मैं हिंदुस्तान के दिल के आम आदमी के दिल की धड़कन गाने के लिए कवि बना, मुझे साहित्य स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे। अगर कोई बड़ा काम एक भी कर दे मुझे लगे कि वो पूजनीय है तो फिर मुझे कुछ भी लिखने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ, क्या गुजरती है, क्या गुजरती है आपके दिल पर। अच्छा गुजरे तो अच्छा बताना, मैं भी याद लेके जाऊँगा कि किसी को कोई देश कितना प्यार करता है। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंह दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है ये भी सच होने वाला है, मोदी है तो मुमकिन है ये भी सच होने वाला है। रावलपिंडी हमको डरा नहीं सकते, दहशतगर्दी हमको हरा नहीं सकती, हम भी दुनिया के दादा हैं, गीत सुनाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण। नहीं बस और सुनेंगे। हाँ हाँ, एक बार जरा ताली बजाइए। मैं पारस जी की, डॉक्टर साहब ने ताली बजवा के हम नए लोगों को ये बताया कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत ये इनका हुनर गया है, ये नए खवैये ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। अभी तो डॉक्टर हरिओम पवार जी का गला खुला है और अभी बहुत सारी कविताओं की फरमाइश मेरे पास आई है। पुष्प मित्र जी ने कहा है कश्मीर सुना दो, पारस जी ने, अरे उन्होंने भी, उनके संरक्षक है पुष्प मित्र, उनसे बड़े हैं वो, उन्होंने संपर्क नहीं किया मुझसे, वो मैं कानून का पढ़ा लिखा आदमी हूं, वो भी कानून के ही हैं, नहीं तो वो किसी के भी हो, मुझे पारस जी ने बुलाया और बुला करके उस कोने में ये कह दिया है चंद्रशेखर आजाद सुना देना वरना। भैया सुनो, आप इनको इस कोने में ले जाके कश्मीर का भी बोल दो जरा, ये कोने में ही समझते हैं हर बात जब हम बोल रहे हैं कि कश्मीर। नहीं, मैं भैया कितने लोग कश्मीर सुनना चाहते हैं जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखो वो समस्या एक मुर्दा बन चुकी है और मैं मुर्दों पर नहीं थूकता। मैं 29 साल रोया था, 29 साल कश्मीर फाइल फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी कविता में नहीं था। मैंने 29 साल चीखा मैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन जिस महामानव ने 370 हटा दी उसके बाद अब उस बात का क्या रोना, रोना नहीं। पारस जी ने जिस कविता के लिए कहा, मैंने चंद्रशेखर आजाद पर एक कविता लिखी थी, मेरी नई कविता नहीं पुरानी कविता है, स्वागत है। और वो इसलिए है कि हमारे देश की राजनीति शहीदों का सम्मान करे ना करे चलेगा, शहीदों का अपमान ना करे, बस अपमान ना करे शहीदों का। और ये एक घटना थी, भानु प्रताप शुक्ल जी का एक लेख पढ़ा था मैंने जनसत्ता में, जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो अपने समर्थन से नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। तो उन्होंने एक महाविद्यालय का नाम बदला था जो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पहले था, किसी और के नाम पर किया, जिसके नाम पर किया उनसे शिकायत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का नाम बदला गया। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा, पूरे पेज का एक लेख था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये ऐसा काम, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कोई मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद के बारे में ऐसा बोल सकता है क्या। और घटना यह थी कि जब नाम बदला गया तो किसी पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि आदरणीय क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो मायावती जी घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी, सरेआम एक मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बहुत राष्ट्रवादी हैं, माफी मंगवाएंगे वरना सरकार गिराएंगे। मैं 6-7 दिन तक देखता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। श्रद्धेय वाजपेयी साहब और श्रद्धेय अडवाणी जी मुझे सुन लेते थे, मुझे स्नेह करते थे, मैं दोनों के पास गया।
मैंने दोनों से शिकायत की कि आपके समर्थन की सरकार चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताएगी और आप चुप रहेंगे? तो अडवाणी जी तो कुछ बोले ही नहीं। अटल जी ने धीरे से कहा, तू चाहता है हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा मत गिराओ, तो खुद गिर लो जितना गिरना। मैं दोनों से कह के आया था कि साहब आपका चुप रहना मजबूरी हो सकती है, मैं कवि हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं जनता में एक कविता लेके जा रहा हूं। और मैं तभी जनता में एक कविता लेके आया, मैं आपको आज सुना देता हूं। पारस जी ने एक अच्छी कविता की फरमाइश की है, इसलिए मैं अपने संयोजक की बात मान लेता हूं, संचालक की नहीं मानता। संचालक तो क्या है कि कवि सम्मेलन का सुहाग होता है, और सुहाग अगर ऐसा ही होता है तो उजाड़ने में बुराई क्या है? पर आज नहीं, आज इसका जन्मदिन है। कुंवारे आदमी को सुहाग का क्या पता कैसा होता है, तुम ही जानो। वो कविता में पढ़ देता हूँ, बहुत समय बहुत हो गया, सवा बज गया। अमन से पूछा भी नया नया सुहाग है, कितना मजा आ रहा है। नहीं, अमन ने बहुत अच्छा पढ़ा। भगवान देखिए, भगवान राम पर मेरे मुझसे कोई पूछे मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कहानी क्या है, तो वो छोटी सी कहानी है, वो भी आधी मिनट की। और कहानी ये है, सीता को चुराने के बाद रावण रोता था, रोज रोता था, तड़पता था, सिसकता था। क्यों? क्योंकि सीता ने कभी रावण को आंख उठाकर देखा ही नहीं। तो रावण की पत्नी ने कहा कि तुम इसलिए रोते हो कि सीता तुमको देख नहीं पाती? बोले हाँ, इसलिए रोता हूं। बोले तुमने किया तो पाप है सीता को चुराकर, लेकिन हमारे पति हो, हम तुमको रोता नहीं देख सकते, तुमको रास्ता बता सकते हैं। तुम माया से अपने मामा को हिरण बना सकते हो, तो तुम माया से राम का चेहरा क्यों नहीं लगा लेते? माया से लगा लो राम का चेहरा, चले जाओ अशोक वाटिका, सीता समझेगी राम खोजते खोजते आ गए हैं, तुमको देख लेगी, तुम्हारा रोना हमसे नहीं देखा जाता। इतना सुनते ही रावण और तड़प कर रोया और फफक कर रोया, और अपनी पत्नी से कहा कि देवी, ये कोशिश तो मैंने सीता को चुराने के बाद न जाने कितने बार की, लेकिन मैं जैसे ही राम का चेहरा लगाता हूं, मुझे हर पराई स्त्री में अपनी माँ दिखाई देने लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो थे राम। मैंने 92 में कविता लिखी थी भगवान राम पर, 92 में। और मुझे खुशी है कि राम उत्तर प्रदेश का जो फैसला आया था राम मंदिर पर, वो जिस जज हाई कोर्ट के जज ने दिया, वो मेरा विद्यार्थी था, मेरा स्टूडेंट था, हाई कोर्ट के जस्टिस अग्रवाल साहब, जो सन्यासी की तरह ही रहते हैं। ये कविता आप सुन लीजिए, वरना मेरे पास बहुत कहानियां भगवान राम के बारे। एक और सुनाता हूं आपको, शायद किसी ने नहीं सुनी होगी आपने। जब राम लौटे वापस, तो दीपावली मनी, पूरी भीड़ उमड़ी राम के स्वागत में। जब राम लौट के आए लंका से रावण का वध करके, तो अचानक राम की नजर पड़ी कि भीड़ में बच्चे नहीं है। सुनना साहब, क्या होता है रामराज, कब आता है रामराज? प्यार का दुनिया का सबसे बड़ा देवता भी कोई है तो राम ही है। क्यों है बताता हूं आपको। कोई बच्चा नहीं था भीड़ में जिसकी उम्र 12-13-14 साल, 3-4-5 साल हो। तो राम ने लक्ष्मण के इशारा किया कि भरत को बुलाओ। भरत को बुलाया और उसे भरत से कहा, भरत बच्चों को नहीं आने दिया क्या? बच्चों के आने पर रोक लगाई गई क्या, या बच्चों ने आना स्वीकार नहीं किया? तो भरत रो रो के बोला, रोता रहा भरत और बताता रहा कि प्रभु राम, शायद तुमको मालूम नहीं है, जिस दिन से तुम वनवास में चले गए, अयोध्या की जनता के किसी भी घर में दाम्पत्य धर्म का पालन नहीं हुआ, एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ 14 साल। कोई जनता अपने राजा को इतना प्यार करती है, तब आता है रामराज। और साहब बहुत सीधी सी बात है, खड़ाऊ ने राज किया था, खड़ाऊ माने जूता, राज तो जूते का ही रामराज होता है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया, बता दिया। उसको बुलडोजर कह लो, खड़ाऊ कह लो, जूता कह लो, है तो वही सब। सुन लो, मैं भी, आप दोनों क्यों खड़े, आप भी बैठ जाओ। आप दोनों के बैठ जाने से रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकेगा। अजीब पहली आए देश में, दुनिया समझती है रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं, रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं। दुनिया में जहां भी कहीं युद्ध हो रहा है, एक तरफ अमेरिका है, उसको अपनी ताकत का इतना घमंड हो गया है
कि वो पूरी दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहता है। मुझे लगता है दुनिया में जहां भी जो अशांति है उसका कारण अमेरिका है। ये मेरी राय है, आप असहमत हो सकते हैं। कविता सुनिए, मन से ताली बजाते रहिएगा। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे झपकी आ रही थी, मेरी नींद आप उतारना और आपको नींद नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं मैं, आजादी की सौगातों पर गाओ, आजादी की सौगातों पर सौ सौ गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं, दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, धाप जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन ताली जोर से उठे साहब, ऐसे नहीं, जोर से उठे। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं। दुख हुआ था मुझे अखबार पढ़ के कि ऐसा हुआ और इस दुख में आप शामिल होना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी थी, मेरी आंखों में पानी था, सीने में चिंगारी थी, कुर्बानी ने आजादी के, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी थी, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई। कविता का सौंदर्य चौहान साहब केवल ये है, जब उन्होंने गाली दी होगी, कहा होगा कौन चंद्रशेखर आजाद वो आतंकवादी, स्वर्ग में शहीदों की आत्मा ने सुना होगा, सब ने सुना होगा, उन पर क्या गुजरी होगी। बस मैं ये कहना चाहता था इस कविता में, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे, कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़फ गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़फ गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा, भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। मुझे गुस्सा बहुत था, बहुत गुस्सा, मैंने क्रोध को कैसे अभिव्यक्त किया। मैं आपके सदन से कहता हूँ, आपके संस्कारशील सदन से कहता हूँ, आपको लगे कि कवि को इतना गुस्सा करने का हक है तो मेरे हक पर मोहर लगाना,
मैं अपना गुस्सा जता रहा हूँ और मुझे बताना कि क्या कवि को इतना गुस्सा करने का हक है। चुपके चुपके रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निधिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव, मैंने आधी मिनट बोला हूँ शेखर पर, पढ़ी मैंने, महीनों पढ़ता रहा। क्या बात है भाई। और श्रद्धे मुझे उपाध्याय जी एक ऐसा वाक्य पढ़ने को मिला जो शायद दुनिया में कभी किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला ही नहीं। गरीब माँ बाप थे, जैसा शशिकांत ने बताया कि झाबुआ जिले में भावरा गांव है, वहां उनका स्मारक बना और देश के किसी प्रधानमंत्री को 68 साल लगे उस गांव तक आने में, 68 साल, और पहला प्रधानमंत्री है मोदी जो वहां पहुंचे। माँ बाप का इकलौता बेटा था चंद्रशेखर आजाद, माँ बाप गरीब थे, चंद्रशेखर आजाद लूटते थे अंग्रेजों का खजाना। तो किसी दिन किसी गांव के आदमी ने आकर को उनसे कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है, घर में खाने को रोटी नहीं है, तुम इतना पैसा तो घर भेजो कम से कम इस संदूक में से जो तुम्हारे पास पैसा है लूट का कि तुम्हारे माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोले, एक वाक्य बोलते समय उनकी आंख में पानी था लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें लाल थी। पहला वाक्य तो ये कहा कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है। और साहब दूसरा वाक्य बोले, दुनिया में मिलेगा नहीं किसी मुंह से निकला ये वाक्य, दूसरा वाक्य तुरंत बोले आंखें लाल करके कि तुम गांव वालों मेरे माता पिता को रोटी नहीं दे सको तो मुझे खबर करना, मैं आऊंगा किसी दिन गांव और अपनी पिस्तौल की गोली से दोस्त गोली निकाल दूंगा, उनके सीने में उतार के चलाऊंगा, माँ बाप को मार के चलाऊंगा। उसको क्रांतिकारी को ऐसे ऐसे बेटे को राजनीति आतंकवादी बताएगी। तब मैं कहता हूं एक मिनट में समझना क्या थे शेखर। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। जो अगलौता बेटा आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था, अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं, अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गैरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी। एक छंद और पढ़ता हूँ, आप सब भाजपा के लोग हैं मैं जानता हूँ, सब भाजपा के, और भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ हिंदुस्तान में, और आपने तालियां नहीं बजाई तो कविता पढ़ना बंद कर दूंगा, कब सम्मेलन में जाना बंद कर दूंगा। मेरा तर्क देखना, इसलिए लिखा मैंने कि उस समय भाजपा का समर्थन था उनको, अपना आप नहीं थी वो मुख्यमंत्री, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री थी, मैंने तब गाया और मैं आपके सामने गाता हूं, आपको लगे मैं ईमानदार हूं तो मैं आपकी तालियां उठती देखना चाहता हूं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर अड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम। सल्यूट आपको, आप देशभक्त, आप हिंदुस्तानी पहले हैं किसी पार्टी के बाद में। दो लाइन पढ़ता हूं,
और तालियों का मैं आकाश भर मंडल देखना चाहता हूँ। तालियों का एक बहुत सब मेरे दोस्तों ने मांगा, मैं भी आपसे मांगता हूँ, दो लाइन पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत भैया। तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे। देखना चाहता हूँ गुस्सा जाहिर कैसे करते हैं आप। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे। जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ। अंतिम छंद पढ़ता हूँ, अंतिम छंद सुनिए। जो भारत जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते। और कविता की शुद्ध कविता की पंक्ति सुनना, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। पूछेंगे लोग कि कहाँ है वो, मैं उनकी जगह बता रहा हूँ, और जिन्होंने गाली दी उनकी भी जगह जानता हूँ। उनकी जगह केवल बासी अखबार है। एक जीता बस यूपी में, आज एक सरकार चलाने वाले लोगों का एक जीत के आया। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तमके गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। आप अब पारस जी या कोई आप में से धन्यवाद करे, बहुत हो गया, इतना समय हो गया। कारगिल सुना, ढाई डेढ़ बज गया। कारगिल वाला सुना, और सुनना चाहते हैं सब? सुनना चाहते हो तो एक भी नहीं उठे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक भी नहीं उठना चाहिए, एक वापिस आओ, बैठ जाइए, वापिस बैठो, पकड़ो पकड़ो इसको। 5 मिनट की एक कविता सुन लीजिए। ये मुझे कुछ बहकार आए कि ये बोल दो, ये बोल दो, ये बोल दो। अगर मैंने किसी का कहना मानना होता तो मैं शादी नहीं कर लेता। नहीं, क्या क्या कहता है? मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पैसे वसूल कर रहा हूँ। इसको जो बोलना है बोल रहे, कुछ भी। देखो ऐसा है, मैं आपको हंसाने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो शंभू ने बहुत अच्छी तरह हंसाया है। क्या है, कहाँ जाएगा? समाधि में है। शंभू, अच्छा आपने देखा होगा राज्यसभा में एक दिन जया बच्चन जी ने बड़ा गुस्से में भाषण दिया, और भाषण ही नहीं दिया, कहा मैं भाजपा को शाप देती हूँ कि ये लौट के नहीं आएंगे। मेरे मेरठ के दोस्त जो भाजपा के थे मेरे पास आए, बोले ये तो बड़ा बुरा हो गया, बड़ी अभिनेत्री है, उसने तो शाप दे दिया बीजेपी को, अब क्या होगा? मगर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो, जया बच्चन के शाप में कोई दम नहीं है। अगर शाप में कोई दम होता तो रेखा अब तक 3 बार मर जाती है। वाह। इसलिए मत डरो, शंभू मैंने तेरा भी नशा उतारा। नहीं शंभू का तो ठीक है, लेकिन सही बात मुंह पे आई गई, तुम्हारा भी ध्यान रेखा पे ही है पूरा। ऐसे हंस रहा जैसे पीछे कमर में किसी ने पिस्तौल लगा रखी और कह रहा हो हंस। इसे कहते हैं व्यवस्था के हंस। मैं कर बेटा बैठ जाओ, अरे पुत्र वो रेखा ढूंढने लगा, बताओ। देखो भगवान राम पर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी गई। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, तो मैं भी मानता हूं कि भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे देवता हैं। लेकिन मुझे ये कहने का अधिकार दीजिए श्रद्धेय चौहान साहब, श्रद्धेय उपाध्याय जी, कि मैंने भगवान राम नहीं देखे।
हमारे रक्षक देवता होंगे लेकिन मैंने नहीं देखे, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता होंगे लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, हमारी रक्षा करते हैं, ये मैंने देखे हैं, ये मैंने देखे हैं। मैं उन फौजियों के सम्मान में स्वागत, जब करगिल युद्ध हुआ था मैं मेरठ में, जहां मैं अपने पढ़ाता था, अब तो नहीं पढ़ाता, रिटायर हो गया। एक बेटा कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था, मैंने उसके अंतिम संस्कार में की भीड़ में बहुत पीछे खड़े होके, बहुत भीड़ थी, मैं पीछे खड़ा था, भीगी आंखों से मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वो सुनी थी। स्वागत, मैंने आज तक जितना भी गाया है वो मेरे आंसू की आग है, इस अकेली एक कविता में मेरी आग के आंसू हैं, मेरी आग के आंसू। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारा प्रियांशु है, गीतकार हमारा शशिकांत भी है, गीतकार हमारा अमन अक्षर है, बहुत प्यारा गीतकार है, सब गीतकार होते हैं, लेकिन मैं गीतकार नहीं हूँ। लेकिन भीतर कहीं कोई छोटा सा एक अंकुरण तो होता है हर किसी के, वो छोटा सा अंकुरण है, छोटी सी कविता सुन लीजिए। स्वागत है। मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, हालांकि उपाध्याय जी की वजह से मैं संविधान सुनाना चाहता था, मैंने संविधान पर भी कविता लिखी बहुत आसान तरीके से, लेकिन अब समय हो गया बहुत। उपाध्याय जी का, हमारे बंगाल के शेर का, चौहान साहब का, संदीप साहब का, इनका पूरी रात कवि सम्मेलन में बैठे रहना इस कवि सम्मेलन की गरिमा को बढ़ाने के लिए, हमारे पास इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है। ये इतिहास का सबूत माना जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति उस कार्यक्रम में थे। हम तो रोज कहीं ना कहीं होते ही हैं, कहीं ना कहीं बैठते ही हैं, जैसा शशिकांत ने बनाया पशु मेलों में भी होते हैं, ये मुझे वहीं मिला था। तो यादव तो पशु मेले में ही मिलते हैं, हो तो पशु मेलों के लायक भी नहीं, संभालने का काम है ना। मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मो, केवल पांच मिनट की कविता है, मन से सुनना, कोई कृपया उठना मत, बस ये मेरे पूजा का गीत है, आदरणीय आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वरना तो त्रिपुरा में मंत्री बनवा दूंगा। देखो मंत्री वो भी नहीं बनना चाहता। मंत्री बनने के नाम पर चुप बैठ गया। सुनिए मन से सुनिए। मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चोड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और चौहान साहब, जीवन का एक सच बोलता हूं, मैं कवि नहीं हूं, सचमुच नहीं हूं, मैंने केवल एक लाइन अच्छी लिखी है, आज भी खुद को एक लाइन का कवि मानता हूं, मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं सच स्वीकार हूं, मैंने कंटेंट गाए हैं, देश की समस्याएं गाई हैं, और मुझे गौरव गर्व प्राप्त है, मैंने जिन समस्याओं पर लिखा देश की सरकारों ने उन पर नोटिस किया, चाहे वो कश्मीर हो, मैंने भूख लिखी, भूख से मरने वाले लोगों पर कविता लिखी, पिछले 5 साल से हिंदुस्तान में एक भी मौत भूख से नहीं हुई, हम सर उठा के कह सकते हैं, जबकि 3 लाख तक लोग भूख से मरते थे। क्या बात है भाई साहब? मैंने जो राइट टू फूड बना, उस मेरी कविता उसमें काम आई, राइट टू फूड जो नियम कानून संसद में बन के आया, और काले धन, काला धन पे मैंने लिखी, 4 साल पहले मैंने नोटबंदी की मैंने लिखा था,
और मैं आपको एक रोचक प्रसंग बताता हूँ, जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 2-3 दिन बाद मैं किसी कारण से बीमार हुआ बहुत, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो अखबारों में खबर छपा क्योंकि इसने नोटबंदी के समर्थन में कविता लिखी थी, व्यापारियों ने हमला कर दिया, हरिओम पवार घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। जबकि वो सच नहीं था, ऐसा कुछ भी सच नहीं था, मैं नोटबंदी के खिलाफ था, लेकिन बैंकों ने उसको फेल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर बैंकों ने ईमानदारी से काम किया होता, और आज आप भारत का मान नहीं मानते, इस देश में कोई भी वैक्सीन दुनिया में, चाहे पोलियो की वैक्सीन हो चाहे और कोई वैक्सीन हो, बनने के 6-7 साल हिंदुस्तान में आती थी बाद। आज लंदन का प्राइम मिनिस्टर आया है, वो गर्व से कहता है मैंने भारत की बनी वैक्सीन लगवा रखी है। यह है भारत, नया भारत। यूक्रेन में भारतीय तिरंगा जिनके हाथों में था, उनको यूक्रेन की सेना भी और रूस की सेना भी सल्यूट कर रही थी। वो हमारा तिरंगा पासपोर्ट था, वीजा था, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बच्चे हमारा तिरंगा हाथों में उठा करके यूक्रेन से बाहर निकले। ये हमें गौरव की बात है, गर्व की बात है हमारे लिए। आज दुनिया हमको सुनती है, कोई हमको इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया पहली बार भारत को दुनिया ने नोटिस किया है, और यही हमारी सफलता है। रामराज की ओर जाने का पहला कदम यही है कि दुनिया इस मुल्क की तरफ देखे कि इस मुल्क के मूल संस्कार क्या हैं, मूल संस्कृति क्या है, हमारे आधार क्या है। मैंने एक लाइन अच्छी लिखी है, बस मुझे जी भर कर तालियां बजा के प्यार देना। मैंने एक लाइन और लिख ली इतनी अच्छी, तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूँ, अभी नहीं मानता खुद को, एक लाइन का कवि मानता हूँ। वो लाइन पढ़ना सुनना, उनको भी मीठी नींदों की कर, मंच का भी मन मांगता हूँ सबका, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी घर के, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, पूरे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। करगिल के युद्ध में भरतपुर के पास एक गांव है अजान राजस्थान में, वहां का एक बेटा मरा था, बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, मैं उनके सम्मान में गया था, हरदा में एक संस्था ने उनका सम्मान किया था। जब उनका पार्थिव शरीर आया तो सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ, उनकी पत्नी ने शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी, पूरी दुनिया में पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने केवल 2 लाइन लिखी हैं, उनको प्यार से सहेजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना तो करो -48 और +48 में कैसे लड़ते होंगे, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत।
अंतिम छह लाइन सुनिए। उससे पहले मैं एक अनुरोध करता हूं, जब भी मेरा मौका मिलता है इस कविता को पढ़ने का, मैं टीवी के किसी शो में जाऊं, आज तो श्रद्धेय चौहान साहब बैठे, मैं अनुरोध करता हूं आपके आसपास, आपके गांव के आसपास, आपके रिश्तेदारों के आसपास कोई ऐसा परिवार रहता होगा जिसमें से कोई ना कोई बेटा शहीद हुआ है, चाहे 62 में हुआ, चाहे 71 में हुआ, चाहे करगिल में हुआ, चाहे उरी में हुआ, चाहे पुलवामा में हुआ, कोई बेटा कहीं शहीद हुआ है और आप जानते हैं उस परिवार को, आपके आसपास है, गांव के आसपास है। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस महान कार्यक्रम में मेरा अनुरोध है, साल में एक दिन एक मिठाई का डिब्बा और कुछ फूल लेके उसके घर जाना शुरू करो, उसको महसूस कराओ कि देश उसको भूला नहीं है, देश उसकी कुर्बानी को याद करता है। और 10-20 लोग उसके घर जाना शुरू कर देंगे तो वो परिवार जीवन पा जाएगा। एक मेरा दूसरा निवेदन है, आप किसी स्टेशन पर बैठे, बस अड्डे पर बैठे, रेलवे स्टेशन पर बैठे, हवाई अड्डे पर बैठे हैं और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी में जा रहा है तो खड़े होकर दो ताली बजा दीजिए, सैनिक को लगना चाहिए कि देश मेरी कमर पर खड़ा हुआ है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं, कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति। और अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, चौहान साहब मैं चाहता था कि मैं एक नेताओं पर बहुत सख्त लाइन लिखूं, बहुत सख्त, और इतनी सख्त लिखूं जिससे ज्यादा नेताओं को कुछ सख्त कहा नहीं जा सकता, और लिखूं भी इतनी चालाकी से कि उनकी समझ में ना आए, और समझ में आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। ईमानदारी से सोचना, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ है वो इंदौर का है, जो हुआ है विश्वम संस्था का है, हिंद प्रहरी संस्था का है, आप सब का है, आपने जिन महान विभूतियों को लाकर के कवसरों ने बिठा दिया, आपने हम कवियों का मान बढ़ाया है, मैं कवि कुल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कवि सम्मेलन रोज होते होंगे लेकिन उनमें उपस्थित होने वाले विशेष महान भावों की उपस्थिति उस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाती है, उस कवि सम्मेलन को बहुत भाग्यशाली बनाती है और हम कवि कुल का मान बढ़ाती है। हम सब कवि कुल सारे कवियों की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ संस्थाकार जो हमारे महानुभाव यहाँ बैठे हैं उन सबका। अंतिम पंक्तियाँ पढ़कर विदा लेता हूँ, आप में से कोई भी आदमी आकर के धन्यवाद दे देगा, जो इतनी जनता इस समय तक बैठी रही, बहुत मन से बैठी, निश्चित रूप से इंदौर में कविता के संस्कार हैं ये आपने सिद्ध किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सैनिक अपने प्राण, अंतिम पंक्ति आनंद से सुनना और आप मन में सोचना कि इससे कठोर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और ताली भी बजाना मेरी बात ठीक लगे तो। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं, जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत